वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने नव वर्ष के पहले ही दिन 1 जनवरी को पुलिस नियंत्रण कक्ष के सभागार में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पुलिस के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पिछले एक वर्ष के पुलिस की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, संपत्ति संबंधी अपराध सहित गंभीर अपराधों में आई कमी के विषय में जानकारी दी। एसएसपी श्री गर्ग ने 2023 में 90% से अधिक मामलों में पुलिसिंग कार्रवाई की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने 2022 की तुलना में 2023 में 12% से अधिक कार्रवाई की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी 2022 की तुलना में 50% अधिक कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधों पर लगाम लगाना और शांति स्थापित करना जिला पुलिस की पहली प्राथमिकता है। जिले की लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच दुर्ग पुलिस अपने विभिन्न जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई से अपराध नियंत्रण करने में सफल हुई है। 2023 में वर्ष 2022 की तुलना में जो हमारे इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस हैं उसमें रजिस्ट्रेशन में करीब 12% की कमी आई। 2022 में 7,411 पंजीकृत हुए थे और 2023 में 6,555 अपराध पंजीकृत हुए। उस प्रकार लघु अधिनियम के कार्रवाई जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है और करीब 20% की बढ़ोतरी लघु अधिनियम। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 100% जो इजाफा हुआ है, 7,000 से करीब 1,400 का आंकड़ा हमको पहुँचा है। इस प्रकार जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अपराधों के नियंत्रण के कारण 2023 में दुर्ग विधानसभा चुनाव जहाँ पे हुए थे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में काफ़ी अन्य भी शांतिपूर्वक चुनाव जहाँ पर संपन्न हुए हैं और ये हमारे पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा 2024 में हम लोग बेसिक पुलिसिंग पे भी फोकस करेंगे, नाइट पेट्रोलिंग और अन्य जो भी बेसिक पुलिसिंग होती है उसको फोकस करते हुए अपराधों के नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम पर फोकस रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग विभिन्न तरीके की ऐप्स और जो मोबाइल बेस्ड ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ जैसे कि साइबर प्रहरी हमारा अभियान अभी शुरू हो गया है जिसको कि अभी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उनको साइबर अपराधों के संबंध में सचेत करने के लिए जानकारी देंगे। दूसरा है हमारा थ्री नियन करके एक ऐप बनाएंगे जिसमें कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरा हम हासिल कर सकें। इसके अतिरिक्त एक सशक्त ऐप का भी हम निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि जो वाहन चोरी है उसका डेटाबेस उसमें तैयार करके हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको सशक्त कर सकें। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन इंटेलिजेंस और पेट्रोलिंग के माध्यम से दुर्ग जिले में हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक अपराधों के नियंत्रण करें। सर महादेव ऐप के करीब 194 आरोपियों को दुर्ग जिले में 2023 में गिरफ्तार किया गया है और करीब 235 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और वर्तमान में कोई भी आईडी दुर्ग जिले में चलने की हमारे पास सूचना नहीं है। तो हमें लगता है कि दुर्ग जिले के एटलीस्ट जो अपराधी हैं दुर्ग जिले में रहकर महादेव ऐप का संचालन वहाँ के बराबर कर रहे हैं और अगर कोई भी हमें सूचना मिले तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए एरिया के मुताबिक और पॉपुलेशन के मुताबिक जितने भी पुलिस की संख्या उपलब्ध रहती है उस मुताबिक हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं ताकि अधिक से अधिक एरिया पर हमारी पुलिस पहुंच सके और अगर कोई प्रकार की घटना हो सकती है तो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच के एरिया प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें ताकि घटना ज़्यादा बड़ा रुख ना ले। और किराएदारों के लिए भी जैसा आपने पूछा कि हम इसमें भी अभियान चलाएंगे ताकि जो लोग किराए पे रखते हैं लोगों को वो पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनको रखें ताकि उनके जो क्रेडेंशियल हैं उनके क्राइम जो क्रेडेंशियल हैं वहाँ से आते हैं उसकी वेरिफिकेशन हो सके। इनको भी जो भी शिकायतें आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी और नियम मुताबिक लॉग इन करेंगे।